हेलो दोस्तों, सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शरीर का स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट बॉडी का ऑर्गन जितना भी है ये सब पढ़ेंगे। शरीर में सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे लंबा कौन सा होता है और सबसे छोटा शरीर का कौन सा भाग है, ये सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। पहले समझिए कि लंबा और चौड़ा, जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट है, इसमें क्या अंतर है। देखिए, ये जो ऐसे हम लोग ले जाएंगे ऊंचाई की ओर, ये हो गया लॉन्गेस्ट, जिसको हम लोग लंबाई कहते हैं। लेकिन यदि हम लार्जेस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट मतलब एक तरह से आप लोग चौड़ाई समझ जाइए, ये हो गया लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट की बात करेंगे तो समझिएगा कि वो चौड़ाई के, फैलाई के बारे में, मोटाई के बारे में उसका पूछ रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्जेस्ट कहते हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले आप लोग क्लियर कर लीजिएगा कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या अंतर है। लॉन्गेस्ट मतलब कि लंबाई को दर्शाएगा, लार्जेस्ट मतलब कि उसके मोटापा को दर्शाएगा। देखिए, जैसे हम लोग का क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट क्या चीज़ है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से देखिए, लार्जेस्ट मतलब मोटापा, पूरा शरीर में क्या चीज़ फैला हुआ है, तो इसका आंसर है कि स्किन। हम लोग के शरीर में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो है स्किन, पूरे शरीर में। लेकिन इंटरनल ऑर्गन पूछेगा, स्किन तो हम लोग का बाहर है, लेकिन आंतरिक पूछेगा इंटरनल, तो वहाँ पे जाएगा लीवर। क्या जाएगा, इंटरनल ऑर्गन लीवर। लीवर का वजन लिख लीजिएगा कि यहाँ पे 1.5 kg होता है, 1.5 kg लीवर का वजन। ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन का सबसे सबसे लॉन्गेस्ट है इंटरनल ऑर्गन का। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, हम लोग के शरीर का स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट कहने का मतलब कि सबसे छोटा इकाई। तो यहाँ से समझिए कि सबसे छोटा इकाई शरीर क्या चीज़ से मिलके बना है। सबसे पहले जब शरीर का निर्माण होता है तो क्या चीज़ से होता है, सेल से होता है। सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम तब बॉडी। तो सबसे पहले शरीर का क्या बनता है, सेल बनता है। तो सबसे पहले जो बनेगा वही तो सबसे छोट होगा, इसीलिए हम लोग सेल को क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, सेल को। अगला क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, लॉन्गेस्ट का मतलब समझिए ऊंचाई की ओर दर्शाएगा। और अगला क्वेश्चन इसके जस्ट बाद है कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में हमेशा ध्यान दीजिएगा, लॉन्गेस्ट ऊपर की ओर दर्शाएगा जबकि लार्जेस्ट उसके मोटापा को दर्शाएगा। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट ले याद रखिएगा, हमेशा ट्रिक्स याद रहेगा कि एल के बाद ओ है, क्या है लॉन्गेस्ट, और लॉन्गेस्ट में होगा वेगस, क्या चीज़ होगा वेगस। यहाँ पे ए से याद रखिएगा कि ओ को हम लोग ए की तरह लिखते हैं वेगस। यहाँ पे लार्जेस्ट आएगा तो लार्जेस्ट में हम लोग कहा जाता है ट्राइजेमिनल नर्व। कौन सा नर्व, ट्राइजेमिनल, जो कि क्रेनियल नर्व 5 होता है ट्राइजेमिनल। यहाँ पे ट्राइजेमिनल और ये वेगस 10 नंबर है या ट्राइजेमिनल 5 नंबर है, ध्यान दीजिए। यदि पूछेगा क्वेश्चन कि लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट मतलब ऊपर की ओर, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है, तो वो होगा वेगस, और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व पूछेगा तो हो जाएगा ट्राइजेमिनल, जो कि ट्राइजेमिनल क्या है 5 नंबर क्रेनियल नर्व है, वेगस 10 नंबर है। यहीं पर अगला क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व, स्मॉलेस्ट में होते हैं हम लोग का ट्रोक्लियर, कौन सा होता है ट्रोक्लियर, और ट्रोक्लियर कितना नंबर होता है, तो 4 नंबर क्रेनियल नर्व होता है। क्रेनियल नर्व का वीडियो हम बना चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, हम लोग के शरीर में सबसे बड़ा, सबसे मजबूत कौन सा हड्डी है। सब कोई जानता है कि जांग की हड्डी सबसे बड़ा होता है और सबसे मजबूत होता है, जिसका नाम फीमर होता है, क्या होता है फीमर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट ग्लैंड, देखिए यहाँ पे पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड, सिर्फ लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगा तो यहाँ पे लीवर जाएगा, क्या जाएगा लीवर। लेकिन अगला क्वेश्चन इसी में जोड़ देंगे कि लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ पे हम लोग का जाएगा थायराइड ग्लैंड, कौन सा जाएगा
थायराइड ग्लैंड। थायराइड क्या है? एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, जबकि ये जो लीवर है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है उसमें क्या अंतर है। वैसा ग्लैंड जो जूस बनाए, क्या चीज़ बनाए, जूस, उसको हम लोग कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल लीवर। वैसा ग्लैंड, ग्लैंड करने का मतलब ग्रंथि, जो कि हार्मोन बनाए, उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल में आ जाएगा थायराइड ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल में आ जाएगा लीवर। आशा करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, लॉन्गेस्ट मसल और लार्जेस्ट मसल दो होता है, एक होता है लॉन्गेस्ट मसल, एक लार्जेस्ट, क्योंकि आप लोग बता दिए लॉन्गेस्ट के मतलब ऊपर की ओर, लार्जेस्ट की मतलब मोटाई पर उसका जाएगा लॉन्गेस्ट। देखिए लॉन्गेस्ट में हम लोग का होता है सर्टोलिस मसल। कौन सा होता है? सर्टोलिस। ये कहाँ पर होता है भैया? तो हम लोग के जांग पर ही होता है, जिसका नाम है सर्टोलिस मसल। लेकिन लार्जेस्ट पूछेगा तो ग्लूटियल मैक्सिमस। क्या होगा? ग्लूटियल मैक्सिमस। ध्यान दीजिए, लॉन्गेस्ट मसल पूछेगा तो सर्टोलिस, जबकि लार्जेस्ट मसल पूछेगा तो ग्लूटियल मैक्सिमस होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। हम लोग के शरीर में तीन टाइप्स के सलाइवरी ग्लैंड होता है, सॉरी तीन पेयर सलाइवरी ग्लैंड होता है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो तीन पेयर है उसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सा होता है, तो होता है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा होता है? पैरोटिड ग्लैंड क्या है हम लोग का? लार्जेस्ट है, जबकि ये स्मॉलेस्ट पूछेगा तो वहाँ पे जाएगा सबलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब जीभ, सब के मतलब पीछे, जीभ के पीछे जो ग्लैंड है उसको हम लोग कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड। यहाँ पे जब स्मॉलेस्ट की बात आएगा तो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कि लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी और लार्जेस्ट वेन। देखिए लार्जेस्ट वेन में तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले देखिए लार्जेस्ट आर्टरी में होता है हम लोग का आयोटा। आयोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, लेकिन यहीं पे पूछ देगा कि स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन है, स्मॉलेस्ट, तो वहाँ पे जाएगा आर्ट्रियोल्स। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं आर्ट्रियोल्स क्या है हम लोग का? स्मॉलेस्ट आर्टरी है, जबकि लार्जेस्ट पूछेगा तो क्या जाएगा? आयोटा जाएगा। उसके बाद देखिए लार्जेस्ट वेन पूछेगा तो यहाँ पे होगा स्फेनिकल वेन। उसके बाद लॉन्गेस्ट वेन पूछेगा तो यहाँ पे जाएगा इन्फीरियर वेना कावा। क्या जाएगा? इन्फीरियर वेना कावा, जिसको IVC शॉर्टकट में कहते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा लॉन्गेस्ट वेन इन्फीरियर वेना कावा, जबकि लार्जेस्ट वेन जाएगा स्फेनाइलल वेन, लार्जेस्ट आर्टरी आयोटा, उसके बाद स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड सबलिंगुअल, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड, लार्जेस्ट मसल ग्लूटियल मैक्सिमस, लॉन्गेस्ट में सर्टोलिस। उसके बाद हम लोग का देखेंगे कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी स्किन, लेकिन इंटरनल लार्जेस्ट पूछेगा तो वहाँ पे जाएगा लीवर। लीवर का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी इसका आंसर होगा सेल, क्योंकि सेल से ही हम लोग का शरीर बना हुआ है। सबसे छोटा शरीर का कण क्या है? सेल। सबसे छोटा को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व और लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व में वेगस जाएगा, जबकि लार्जेस्ट पूछेगा तो उसमें ट्राइजेमिनल। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि जो वेगस है क्रेनियल नर्व जो है उसका कितना नंबर है? तो वेगस का 10 होता है, जबकि ट्राइजेमिनल का 5 होता है। अब क्वेश्चन अगला बनेगा कि स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है? तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व को हम लोग ट्रोक्लियर कहते हैं, जो कि क्रेनियल नंबर
चार होता है, उसके बाद लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, लंबा सबसे लंबा, ध्यान दीजिए, और सबसे मजबूत शरीर का कौन सा हड्डी होता है, तो होता है जांघ की हड्डी, जिसका नाम होता है फीमर बोन। क्या होता है? फीमर बोन। अगला क्वेश्चन कि लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछेगा तो लीवर, लेकिन वहीं पर लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड पूछेगा तो हम लोग का हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। क्वेश्चन बनेगा कि लीवर किस प्रकार का ग्लैंड है, तो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, लेकिन जो हम लोग का थायराइड ग्लैंड है ये एक टाइप का इंडोक्राइन ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन कि डिफरेंट क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड में, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसा ग्लैंड जो कि, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, वैसा ग्रंथि जो कि जूस बनाए उसको हम लोग कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, वैसा ग्लैंड जो कि हार्मोन बनाए उसको हम लोग कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद ये भी हम लोग का हो गया, ये 15 क्वेश्चन था, अगले वीडियो में हम 15 क्वेश्चन ला देंगे बॉडी से रिलेटेड ही। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।